नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। ग्राम विकास अधिकारी निलंबित। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में जिला पंचायत राज अधिकारी बाल गोविंद श्रीवास्तव ने नेवादा ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी शशांक शुक्ला को निलंबित कर दिया है। ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया है कि ग्राम विकास अधिकारी अपने अधिकारियों की बात न सुनने और वैक्सीनेशन में सहयोग न करने पर ADO पंचायत की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी शशांक शुक्ला के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। शशांक के ऊपर लापरवाही का आरोप है। शशांक अपने अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करते थे। यही नहीं, COVID-19 महामारी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन में भी सहयोग नहीं करते थे। जिला पंचायत राज अधिकारी ने लापरवाही करने पर ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया है। जिला पंचायत राज अधिकारी के इस निर्णय से लापरवाही करने वालों कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिला पंचायत राज अधिकारी का कहना है कि जिले में किसी भी ब्लॉक के कर्मचारियों ने कार्य में लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। सर, BDO नेवादा को सस्पेंड किया गया है, क्या कारण था किसने इसका? मेनली उनका था लापरवाही है कि जो आपके अथॉरिटीज ने आपको जो आदेश दिया है कार्य करने के लिए, और मेनली इसमें जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है, जैसे स्वयं सहायता समूह का पेमेंट करना है, कम्युनिटी जो टॉयलेट है जो सब ग्राम पंचायत में बनना है उसमें पेमेंट वो कर नहीं रहे थे। और उसके बाद जब हम फ़ोन कर रहे हैं ADO पंचायत के थ्रू, तो डायरेक्ट बोल रहे हैं हम आने वाले नहीं हैं, जो सर को करना है वो करें। ये मेरे सामने बोला गया, क्योंकि जो नेवादा के ADO पंचायत थे वो ऑफिस आए हुए थे। पहला काम ये था। ये पता चला, ADO पंचायत ने मुझे बताया, जब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी तो वैक्सीनेशन में उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले DD सर, डिप्टी डायरेक्टर सर, वो भी आए थे, तो उनका भी वहाँ भी उनका कोई प्रोग्रेस नहीं था। कुल मिला के अब देखा जाए तो इस तरह के कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, जो सरकार की योजना है, गाइडलाइन है, उनके विरुद्ध ये कार्य कर रहे हैं, उन पर सहयोग नहीं, हाँ सहयोग नहीं करने वाले। हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं, जो गाइडलाइन दी गई हैं, हम उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे। हम उसमें कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं, लेटर एंड वर्ड में हम फॉलो करेंगे। ठीक सर।